हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं आदर्श आप सबका अपने इस सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होगे। एक बार फटाफट से आप सारे लोग लाइव आ जाओ, सेशन को शेयर कर दो जबरदस्त तरीके से। और तुमने देखा होगा ये एक कि शेर की तरह तुम्हें दहाड़ मारना है। अभी अभी एक पोस्टर तुम्हारे सामने आया होगा, है ना? तो भाई आपको पहले तो ये एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मंडे को क्या होने वाला है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन रात में 10 बजे गेट बंद करना। रात को 10 बजे मंडे को आपने जरूर जरूर आना है। वैसे आप रोज आते हो तो फटाफट से आ जाओ, वैकेंसी भी अब आने वाली है। सर ने जैसे आज एक सेशन भी लिया था, छोटा सा सेशन, और उसमें आपको पता है कि 8 मतलब सितंबर तक का पेपर की डेट आने वाली है। तो बच्चे सबसे पहले देखो, एक छोटी सी बात के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं अपन, कि जो सिर फिरे होते हैं इतिहास वही लिखते हैं, जो सिर फिरे होते हैं इतिहास वही लिखते हैं, समझदार लोग तो बस उनके बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चे आपको सिर फिरा बनना है अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई या जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हैं आप, उसके लिए आपको क्या बनना है मेरे लाडलो? तो इतिहास रचना है सिर फिरा बन करके। और फिर जब आप ये सारे काम कर लोगे, उसके बाद दूसरे आपको कॉपी करेंगे, आपके नक्शे कदम पर चलेंगे कि हाँ आपने इतना टाइम पढ़ाई किया। फिर आप लोगों को बताओगे कि हाँ हमने इतना पढ़ा, इस तरीके से पढ़ाई करी, तो आज हम सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है बच्चे? तो इसलिए बहुत ही प्यारी सी लाइन है कि जो सिर फिरे होते हैं इतिहास वही लिखते हैं, समझदार लोग तो बस उनके बारे में पढ़ते हैं। बहुत शानदार। तो चलो बच्चे आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत बढ़िया सा सेशन है। देखो तुम्हें क्वेश्चन के लेवल भी पता चलेंगे, और 28 को रात के 10 बजे कमाल होने वाला है, जो तुमने सोचा नहीं होगा आज से पहले वो होने वाला है हमारे इस एग्जामपुर पे यूपी कांस्टेबल के बैनर के नीचे। बच्चे चलो क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन ने क्या कहा कि निम्नलिखित आकृति को सावधानी से देखें। बच्चे ध्यान से देखना है, साफ साफ लिख दिया, और सही विकल्प का चयन करें। और आपको बताना है कि उसका बताना है कि जो त्रिकोण के विपरीत आएगा, बच्चे मतलब जो ट्रायंगल के ऑपोजिट कौन सा आएगा, यहाँ पे आपको उसका आंसर देना है। तो देखो सर बड़ा आसान होता है जब भी इस तरीके से, ये ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट है। और ओपन डाइस में क्या होता है कि जब कोई भी डाइस ओपन डाइस भी हो तो टोटल सरफेस तो 6 दिखेंगे, तो वहां पे ऑपोजिट कैसे निकलेगा? तो हर ऑपोजिट सरफेस मतलब हर ऑल्टरनेट सरफेस एक दूसरे का ऑपोजिट कहलाता है। ऑल्टरनेट क्या होता है सर? तो एक को छोड़ के दूसरा। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा सर? ये वाला। इसका ऑपोजिट क्या होगा सर? ये वाला। और इसका ऑपोजिट क्या होगा सर? तो ये वाला। और आपसे ट्रायंगल का ही ऑपोजिट पूछा, तो बताओ ट्रायंगल का ऑपोजिट सर ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। बताओ आपको मेरी बात समझ में आई क्या? एक बार मैं आपके कमेंट्स भी देख लूं कि सब कुछ प्रॉपर है या नहीं। ठीक है चलिए जल्दी से बताइए बच्चे। अच्छा ये इधर कट रहा है, कोई नहीं अब तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। चलिए जल्दी से बताइए, इसमें आपको विषम की पहचान करनी है। तीन में किसी ना किसी तरीके की समानता है लेकिन एक अलग है भाई। तीन में किसी ना किसी तरीके की समानता है लेकिन एक क्या है? तो एक अलग है। तो आपको उसी अलग की पहचान करनी है, उसी अलग की पहचान करनी है। जल्दी से बताएं उसी अलग की पहचान करनी है बच्चे, कि वो अलग कौन सा है। यहाँ पे फटाफट से कमेंट करके बता दे, एक बार सेशन को लाइक कर दे, शेयर भी कर दे अपने दोस्तों तक, जिससे और मजेदार तरीके से अपन अपनी इस क्लास को जारी रखें। चलिए बहुत बढ़िया, जूम करो प्लीज सर। सर आप क्या हो गया? चलो जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से। नहीं पुन बिल्कुल आपका कमेंट्स आ रहा है, मैं बिल्कुल सब लोगों को देख पा रहा हूं एकदम सही तरीके से। चलिए देखिए, तो सर देखो अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट की बात करें यहां पे, तो देखो सर ये देखो ये सर्कल ब्लैंक है और इसके सामने डार्क सर्कल है। सर ये सर्कल ब्लैंक है और इसके सामने ये डार्क है। सर ये सर्कल ब्लैंक है और इसके सामने डार्क है, लेकिन सर ये डार्क है तो यहाँ पे ब्लैंक सर्कल होना चाहिए था ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यही ऑपोजिट है। क्योंकि सर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का रूल होता है, सिर्फ और सिर्फ एक फिगर का रूल होता है नॉन वर्बल रीजनिंग में। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सीधे सीधे आपको क्या करना होगा बच्चे, एक किसी भी फिगर को उठा लो। तो देखो डार्क प्लेन, फिर देखो सर डार्क प्लेन, लेकिन सर यहां पे क्या बन गया? अलग। और यही अलग हो गया ऑप्शन नंबर 2।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे, फटाफट से बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि पिपल वर्कशिप फायर को कोड किया है 985 से और वर्कशिप इज नेसेसरी को कोड किया है 425 से और वर्कशिप इज फायर को कोड किया है बच्चे 954 से और आपसे पूछा है कि फायर का कोड क्या होगा। यहां देखो फायर का कोड क्या होगा, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट से कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन में फायर का कोड क्या होगा बच्चे, फायर का कोड क्या होगा जल्दी से बता दो, फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन में फायर का कोड क्या होगा भाई, फायर का कोड क्या होगा। तो देखो सर अगर हम देखें तो पीपल वर्कशिप, अगर इस तरीके से मैं लिख के समझा दूंगा आपको, तो देखो पीपल वर्कशिप फायर को क्या लिखा है यहां पे, तो यहां पे लिखा है सर 9, 8 और 5। फिर देखो सर ये वर्कशिप इज नेसेसरी को क्या लिखा है सर, इसको यहां पे क्या लिखा है, तो यहां पे लिखा है 4, 2 और 5। एंड तीसरी स्टेटमेंट थी इस तरीके से वर्कशिप इज फायर को फिर से क्या लिख दिया यहां पे, तो ये लिख दिया 9, 5 और 4। तो सिर्फ और सिर्फ कोड करना है, तो देखो ये वर्कशिप है, यहां देखो वर्कशिप है बच्चे और ये भी वर्कशिप है, इधर अगर तीनों में कॉमन है तो इधर तीनों में क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है सर, तो इधर हमें 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, ये 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन। फिर देखो यहां पे क्या कॉमन है बच्चे, तो यहां पे फायर कॉमन है सर, यहां पे फायर कॉमन है, यहां भी क्या कॉमन है, फायर कॉमन है, तो बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है सर, तो इन दोनों में 9 कॉमन है और हमसे फायर का ही कोड पूछा और जो कॉमन हो जाता है वही इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कॉमन हो जाता है भाई यही हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बस कहानी खत्म हो गई। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से कीजिए, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को, एक लॉजिकल पैटर्न में आपको रीअरेंज करना है कि सबसे पहले राष्ट्र आएगा या विलेज आएगा या तालुका आएगा या डिस्ट्रिक्ट आएगा या स्टेट आएगा, भाई जल्दी से बता दीजिए आप इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कि सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या लाना है, आपको ये सोचना है कि आपका राष्ट्र आएगा तालुका आएगा, सबका कमेंट दिख रहा है एकदम भाई, सबका कमेंट दिख रहा है, डोंट वरी। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से फटाफट से बता दीजिए, जूम तो नहीं हो सकता क्योंकि ये पीडीएफ नहीं है भाई, नेक्स्ट क्लास से सही हो जाएगा। देखो तो सर सबसे पहले छोटे लेवल से अगर अपन शुरू करें तो सबसे पहले क्या आता है सर, तो ग्राम आता है, विलेज आता है सर, विलेज किसके अंदर होता है सर, तो तालुका के अंदर होता है, तालुका के अंदर होता है सर, तालुका किसके अंदर होता है, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, डिस्ट्रिक्ट हमारा किसके अंदर आएगा सर, तो स्टेट के अंदर आएगा, और स्टेट किसके अंदर आता है सर, तो राष्ट्र के अंदर आता है। तो देखो 2, 3, 4, 5, 1 ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 2, 3, 4, 5, 1 ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। देखो जी क्यों क्लियर नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही तो दिख रहा है यार, मेरे फोन में तो बिल्कुल सही दिख रहा है, तो फिर आपको क्यों नहीं दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे हमारे सामने ये रहा, जल्दी से बताओ, अगर बी को 8 से कोड किया, एफ को 6 से कोड किया, क्यू को 4 से कोड किया, डी को 7 से कोड किया, टी को 2 से कोड किया, एम को 3 से कोड किया, तो के को 5 से कोड किया हो, तो बताओ क्यू के टी बी एफ एम को किससे कोड किया जाएगा, तो बताओ बच्चे क्यू के टी बी एफ एम को किससे कोड किया जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, जल्दी से बताइए फटाफट से बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। देखिए जी तो सर कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ जो जिसके सामने है वही उसका कोड है, तो देखो भाई क्यू को किससे कोड किया है, 4 से, तो इस क्यू का कोड क्या हो जाएगा लाडलो, 4 हो जाएगा। के को किससे कोड किया है यहाँ पे, तो सर देखो के कहाँ है, तो के को 5 से कोड किया है, तो 4 के बाद 5 लिख दो। फिर बताओ टी को किससे कोड किया है सर, तो टी को 2 से कोड किया है, 2 से। फिर देखो बी को किससे कोड किया है बच्चे, तो बी को 8 से कोड किया है, तो यहाँ 8 लिख दिया। फिर बताओ एफ को किससे कोड किया है, तो एफ को 6 से कोड किया है, तो 6 लिख दिया। और एम को बताओ किससे कोड किया था, तो सर एम को 3 से कोड किया। बताओ किसी ऑप्शन में ऐसा है क्या, सर किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा आंसर एक तो है ना नन ऑफ दीज, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक तो आंसर में है ना नन ऑफ दीज, तो हमारा आंसर क्या होगा नन ऑफ दीज, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने ये रहा, जल्दी से बताओ भाई कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में
विपरीत क्रम में व्यवस्थित करना है बच्चे भाई, शब्द कोश में विपरीत क्रम में व्यवस्थित करना है। मीन सबसे पहले जो लास्ट वाला आएगा उसको पहले रखना है, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। ढंग से देखिए भाई, जल्दी से बताइए, जल्दी से, जल्दी से, फटाफट से बताइए, जल्दी से बताइए। सर ये यूपी कांस्टेबल का फॉर्म सिर्फ पीटी वालों के लिए है या फिर विदाउट पीटी वाले? भाई सबके लिए है ये, तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या देंगे, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको ये बताना है। तो देखो सर, अगर हम देखें तो सबसे पहले बताओ क्या आएगा यहाँ पे, तो सर एम यू एल टी आई, एम यू एल टी आई, यहां तक तो सर सबका सेम है, एम यू एल टी आई। देखो सर एम यू एल टी आई, एम यू एल टी आई, यहां भी देखो सर एम यू एल टी आई तक सेम है। इसके बाद वाले को देखा जाए तो यहाँ पे बच्चे टी है, यहाँ पे एन है, ये एल है, ये एन है और ये पी है। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हम लोगों को क्या मिलेगा, तो पांच मिलेगा, मतलब सबसे पहले एल मिलेगा, एल। तो एल के बाद अपन को क्या मिलेगा, एन और एन, फिर देखो एन के बाद यहाँ ओ है और यहाँ पे ए है, तो जाहिर सी बात है पहले पे ए मिलेगा तो ऑप्शन नंबर टू आएगा। फिर देखो सर टू के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, तो फोर मिलेगा, फोर मिलेगा। बताओ पहले और तीसरे में, तो सर यहाँ पे टी है और यहाँ पे पी है, तो बच्चे जाहिर सी बात है पहले तो तीसरा आएगा और फिर पहला आएगा। अब मुझे बताओ कि आप आंसर क्या दोगे, आप में से कई लोगों ने आंसर क्या दिया कि ऑप्शन नंबर बी, क्या राइट है भाई? यहाँ पे आप गलत हो जाओगे। आपका जो सही आंसर होगा वो क्वेश्चन ने क्या कहा कि विपरीत क्रम में लिखना है भाई, और जब विपरीत क्रम में लिखोगे तो एक तीन चार दो पांच लिखना होगा ना, एक तीन चार दो पांच लिखना होगा ना, तो एक तीन चार दो पांच ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। डी वाले गलत है, डी वाले गलत है बच्चे, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। तो पांच चार तीन दो एक तो बिल्कुल ठीक है, पांच चार के बाद तीन आएगा। अच्छा जी, तीसरे और दूसरे में जरा ध्यान से देख लो, यहां पे देखो एम यू एल टी आई, यहां पे पहले पी है और यहां पे एन है, तो भाई मेरे तीन से पहले दो आ जाएगा ना, तो गलत हो गए आप सारे के सारे लोग। समझ आया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक होगा। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना वरना गलत हो जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन। ये तो इजी है, जल्दी से बता दो कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके, यहां देखना क्या पूछा है, नहीं बनाया जा सकता है। दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके बच्चे नहीं बनाया जा सकता है, आपको उस वर्ड को चुनना है। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से बताइए बच्चे, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करके बता दीजिए। किस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करेंगे? तो देखो सर, आर ए एम बी एल ई, रैम्बल की बात करें तो आर ए एम बी एल, और ये देखो ई, ये तो बनाया जाएगा। मार्बल एम ए आर बी एल ई, ये भी बनाया जाएगा। सर आर ए एम, देखो सर आर ए एम पी ए एन टी, तो सर देखो पी, फिर से ए, फिर देखो एन, क्या कहीं भी इस पूरे के पूरे वर्ड में आपको एन दिखाई दे रहा है? तो सर जब एन दिखाई नहीं दे रहा है तो ये एक्स्ट्रा क्यू दिया है, यही वर्ड नहीं बनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यही वर्ड नहीं बनाया जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, एंड ये रहा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर एट। आपको जूम कराना है, लो जूम भी कर दिया। चलो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे, फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे। 9545135 देन 11888 क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप क्या रखोगे, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर बच्चे आप क्या रखोगे, आपको ये बताना है, जल्दी से बताइए। एक बार सारे के सारे लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे क्लास और अच्छी हो जाए अपनी, है ना। एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए फटाफट से सारे लोग, फटाफट से, इतना तो आप कर ही सकते हो। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से बताओ बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको ये बताना है। देखो सर बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। सर हुआ क्या इसमें, सर इसमें देखो, इसमें हुआ क्या है कि ये जो नंबर है ना, 9 × 5 कर दिया तो 45 आ गया, 9 × 5 कर दिया तो 45 आ गया। अब बताओ 45 में किससे मल्टीप्लाई करोगे जो 135 आएगा, तो सर तीन से मल्टीप्लाई करेंगे, तीन से मल्टीप्लाई करेंगे, तीन से। तो क्या यही सेम लॉजिक यहां पे भी लगाई गई है?
तो सर देखो 11 into 8 किया, ये आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये वाली टर्म आ गई। अब बताओ इस वाली वैल्यू में अपन ने किससे मल्टीप्लाई किया था, 3 से, तो यहां पे भी आएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने आंसर कितना आ जाएगा, तो 264 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। सर पहले आपस में मल्टीप्लाई किया और फिर तीसरे वाले टर्म में मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया, पहले आपस में 264, बहुत ही शानदार, गजब, ग्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, और ये देखो कौन सा क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कीजिए जल्दी से, ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा या इसको भी जूम करना है ये बताओ, चलो लो जूम कर दिया मैंने, चलो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, कि 2 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से दोगुनी थी। भाई विदाउट पेन क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो, 2 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से दोगुनी थी, यदि दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष का है, यदि दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष का है तो ए की आयु ज्ञात करें। तो बच्चे ए की आयु ज्ञात करें, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बच्चे, जल्दी से फटाफट से, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, कोई 4 दे रहा है, कोई 6 दे रहा है, मतलब इतने छोटे से क्वेश्चन को भी तुम गलत कर जा रहे हो यार, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मतलब एकदम दुखी कर दिया तुमने। देखो 2 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से दोगुनी थी, भाई मेरे 2 साल पहले क्या था कि ए की आयु बी की आयु से दोगुनी थी, ए की आयु बी की आयु से, इट मींस अगर बी 1 का होगा तो ए कितने का होगा, 2 का, यही तो बात है। तब बोला यदि उन दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष का है तो भाई मेरे उनके डिफरेंस, उनका जो अंतर है 2 साल का है, और अगर हम रेशियो में उनका डिफरेंस ले तो कितना होगा सर, तो 1 होगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चे, तो 2। अब बताओ 1 की आयु पूछा, तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 साल। लेकिन ये 4 साल कब का है, ये तो 2 साल पहले का है ना मेरे भाई, और आपसे पूछा अभी की आयु, तो बताओ बच्चे 4 प्लस 2 करोगे तो 6। वैसे फाइंड एज एज पूछा है सिर्फ और सिर्फ, तो ए की आयु तो सिंपल सा 4 साल ही होगा ना भाई, ए की आयु सिंपल से तो 4 साल ही होगी, अगर उसकी वर्तमान आयु पूछा होता तो हमारा आंसर क्या होता बच्चे, 4 प्लस 2 6। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ यही पूछा कि ए की आयु फिर ज्ञात करें, तो भाई इसकी सिंपल सी बात थी, रेशियो में इनका डिफरेंस 1 था और ऐसे 2, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू 4, बस खत्म काम भाई, मैथ्स का क्वेश्चन इतना सिंपल सा। चलो जी, तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना था, 6 वाले गलत हो गए इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि उनसे प्रेजेंट एज नहीं पूछा, प्रेजेंट एज पूछा होता तो हमारा आंसर हो जाता कितना, तो 6 हो जाता, प्रेजेंट एज पूछा होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 6 हो जाता। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ, 9 7 4 भाई, 9 7 4 5 4 3 6 8 क्वेश्चन मार्क, 49 52 25, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा भाई, इस जगह पर आप क्या रखोगे, आपको ये बताना है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो बच्चे, इस जगह पर आप क्या रखोगे, फटाफट से बताओ इस जगह पे क्या रखोगे। सही बात है, तुक्केबाज तो है ही है, चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको ये बताना है, तुरंत आप आंसर देंगे ऐसे क्वेश्चनों के। देखिए कैसे, सिर्फ 9 में 6 से मल्टीप्लाई किया तो 9 5 45 और 9 6 कितना हो जाएगा, 54, मतलब 54 में अपन जब 5 को घटा देंगे तभी तो 49 आएगा, आया ना, बिल्कुल। फिर बताओ 8 × 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 × 7 करेंगे सर तो 56 हो जाएगा, 56 और 56 में से 4 को माइनस करोगे तो ही तो 52 आएगा, तो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके बीच वाले को माइनस करना है, तो मुझे बताओ 4 में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, यही तो किया भाई, पहले और तीसरे को गुणा किया, तो पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 में एक्स से मल्टीप्लाई करोगे और उसको क्या करोगे, 3 से माइनस करोगे, तो ये टर्म किसके बराबर आना चाहिए बच्चे, 25 के बराबर। तो बताओ यहां से 4x = कितना हो जाएगा, 3 इधर जाएगा प्लस का, तो 25 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 28। इसको इससे काट दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो 7 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, ऑप्शन नंबर ए,
की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, 7 आ गई ऑप्शन नंबर ए। अबे 5 वाले नालायको, करना क्या चाहते हो तुम? हाँ पता नहीं क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आता तुम चाहते क्या हो। एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, तो 7 आ गई, 7 आ गई, 7 आ गई। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आने जा रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा अपन का, तो क्वेश्चन नंबर 11 होगा। चलो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, फटाफट से सॉल्व करो और क्वेश्चन का आंसर करो। देखो भाई ये है क्वेश्चन तुम्हारे सामने, हिंदी में पढ़ लो चाहो तो, पढ़ो जल्दी से। क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा कि दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो स्नातक मेहनती ग्रामीण लोग जो ईमानदार नहीं है। मतलब बच्चे स्नातक वाले कॉलम में होना चाहिए, ग्रामीण वाले कॉलम में होना चाहिए और मेहनती वाले कॉलम में होना चाहिए। भाई इसे रूरल में होना चाहिए, स्नातक में होना चाहिए और हार्ड वर्क में होना चाहिए, लेकिन ऑनेस्ट में नहीं होना चाहिए बच्चे, ऑनेस्ट में नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ऐसा नंबर ढूंढो जो इस सर्कल के, इस वाले डायग्राम के बाहर। भाई ऐसा नंबर ढूंढो जो इस वाले डायग्राम के बाहर हो, इससे उसका कोई भी वास्ता ना हो। ऐसा नंबर ढूंढो जो इस वाले डायग्राम के भाई बाहर हो, बाहर हो और बाकी सारे डायग्राम के अंदर हो। भाई सिर्फ और सिर्फ इस वाले डायग्राम के बाहर हो, बाकी सारे डायग्राम के अंदर हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम ग्रेट, बहुत शानदार, बिल्कुल सही कहा आपने कि सर वैसा नंबर सिर्फ और सिर्फ ये वाला है, ये वाला सर, ये वाला पार्ट, मतलब जो ये दो वाला पार्ट है ना, ये ट्रायंगल में भी आ रहा है, ये स्क्वायर में भी आ रहा है और ये सर्कल में भी आ रहा है। तो ऐसे कितने पर्सन है जो ग्रामीण लोग हैं, स्नातक हैं और मेहनती भी हैं लेकिन ईमानदार नहीं है। तो वैसे सिर्फ दो लोग हैं भाई, जो कि बहुत जरूरी था ईमानदार होना उनका। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत शानदार। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। 25, 36, 11, 49, 81, 16, तो यहाँ पे बताना है आपको क्या आएगा। जल्दी से बताइए, जल्दी से फटाफट से करके। जल्दी से बताइए बच्चे, जल्दी से फटाफट। चलो जल्दी से बता बच्चे फटाफट से। उम्मीद करता हूं आप जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। आप मेरे कमेंट्स क्यों नहीं देखते हैं? कौन है भाई वीरू गेमर? बच्चे मैं सबके कमेंट देख रहा हूं सबके। चलिए बहुत ही शानदार, 12, 12, 12, 12 आंसर आ रहा है। ग्रेट बच्चे, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। बताओ किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है। ये किसके स्क्वायर होता है बच्चे, 6 का स्क्वायर होता है और इन दोनों को आपस में प्लस कर दिया तो किसका हो जाएगा, 11 का हो जाएगा। ये बताओ किसके स्क्वायर होता है, लड़ लो 7 का। ये बताओ किसके स्क्वायर होता है बच्चे, 9 का, और 9 और 7 कितना हो जाता है, तो 16 हो जाता है। तो ये बताओ 4 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, नजरों से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देना था। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, आंसर हो गया बच्चे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से। जो ट्रिक मैंने सिखाया है तुम्हें कैलेंडर चैप्टर में, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, अगर उसको लगाओगे तो विदाउट पेन क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, यकीन मानो, और नहीं तो फिर तो अपने उलझन में उलझने रहना। चलो तो जल्दी से बताओ, 27 सितंबर को शनिवार है, 27 सितंबर को शनिवार है, तो उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा डे होगा। 27 सितंबर को बच्चे यदि शनिवार है तो उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, तो ये बताना है। 27 सितंबर को यदि शनिवार है, देखो जी सर क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन ने कहा कि 27 सितंबर को क्या है, शनिवार, तो आपको बताना है 27 अक्टूबर को क्या दिन होगा। अगर आपको मेरी बात छोटी सी याद हो तो मैंने आपको ऑड डेज निकालना सिखाया था, ऑड डेज निकालना सिखाया था, इस दिन क्या है, तो शनिवार है। तो बताओ सबसे पहले यहां पे किस मंथ को लिख दोगे, तो सितंबर को, और यहां पे लिख दोगे किसको बच्चे, तो अक्टूबर को। बताओ फर्स्ट मंथ में मैंने तुम्हें क्या लिखना सिखाया था, तो सर फर्स्ट मंथ में हमेशा और हमेशा लिखते हैं उसके बचे हुए दिन। एक बार बोल के बताओ, फर्स्ट मंथ में हमेशा क्या लिखते हैं बच्चे, उसके बचे हुए दिन। तो बताओ सितंबर में 30 दिन होता है और 27 दे रखा है, तो कितने दिन बचा लिए तुमने, 3 दिन। और बताओ लास्ट में क्या लिखते हैं, दिए हुए दिन, और दिए हुए दिन कितने हैं, तो 27 है। तो बताओ 7 से इसको भाग दो तो 7 तरीका कितना हो जाएगा बच्चे, 21। शेषफल कितना हो जाएगा, 6।
सात्रिका 21, शेषफल कितना हो जाएगा 6। अब बताओ 6 और 3 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9। 9 को 7 से भाग दे दो तो 7 एकम 7 शेषफल कितना हो गया 2। भाई 7 एकम 7 शेषफल कितना हो गया 2। और भाई सितंबर का दिन दिया है, अक्टूबर पूछा है, सितंबर का दिन दिया है अक्टूबर पूछा है, तो आप आगे जा रहे सितंबर से अक्टूबर आगे, और आगे जाने पे इस दिन में क्या कर दोगे प्लस का 2 कर दोगे, प्लस का 2। तो बताओ हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या आ जाएगा, तो मंडे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई। चलो जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चे, इसको सॉल्व करो जल्दी से, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर बताओ। देखो ये है क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ये है तुम्हारे सामने क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करो, बताओ कि भाई यदि 0, 1, 2, 3 को ए बी सी डी जे तक लिखा जाता है तो उस इक्वेशन को सॉल्व करके बताना है क्या होगा, उस इक्वेशन को सॉल्व करके बताना है बच्चे क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से फटाफट से बता दो बच्चे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताना है कि कैसे करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जल्दी से करो सॉल्व, फटाफट से करो सॉल्व, ध्यान से करना है इस इक्वेशन को सॉल्व, क्योंकि थोड़ा भी अगर गलत कर जाओगे, अगर एक भी डिजिट, तो तुम्हारा आंसर पूरा का पूरा उल्टा हो जाएगा भाई, तुम्हारा आंसर पूरा का पूरा बच्चे उल्टा हो जाएगा। जल्दी से फटाफट से सॉल्व करके बता दो, फटाफट से इस क्वेश्चन को करो सॉल्व जल्दी से। तो देखो सर, यदि 0, 1, 2, 3 डॉट 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 9 को ए बी सी डी से डिनोट किया जाता है, ध्यान से देखो एक बात को, तो गलत कभी नहीं होगा। कैसे, ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पर आता है, डी 4 पर आता है, लेकिन बच्चे यहां पे ए का कोड क्या दिया है 0, बी का कोड क्या दिया है 1, सी का कोड क्या दिया है 2, डी का कोड क्या दिया है 3। इट मींस जो इनकी रियल वैल्यू है उससे एक कम करके इसको कोड करना है, जो इनकी रियल वैल्यू है उससे एक कम करके इसको कोड करना है। तो देखो कितना सिंपल तरीके से करोगे, बताओ मुझे डी की रियल वैल्यू 4 होती है, बट इस क्वेश्चन में डी की वैल्यू 3 होगी। भाई मैंने कहा ना, जो रियल वैल्यू है उससे एक कम की कोडिंग है यहां पे, जो रियल वैल्यू उससे एक कम की कोडिंग। तो बताओ सी 3 पर होता है, लेकिन सी 3 से एक कम हो जाएगा यहां पे 2 पे। फिर बताओ मल्टीप्लाई, भाई एफ 6 पर होता है बच्चे, लेकिन 6 से एक कम क्या लिख दोगे यहां पे 5 लिख दोगे, राइट। फिर देखो, फिर देखो, फिर देखो माइनस, माइनस ब्रैकेट में लगाओ, बी 2 पर होता है लेकिन यहां पर 1 लिख दोगे, एफ 6 पर होता है लेकिन यहां पे 5 लिख दोगे, फिर माइनस डी 4 पे होता है बट यहां पे 3 आएगा, फिर मल्टीप्लाई भाई क्या आ जाएगा दोस्तों 3। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो बताओ 32 × 5 कर लो तो कितना मिल जाएगा 160, कितना मिल जाएगा 160, माइनस में 15 में से 3 जाएगा तो 12, और 12 × 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा, 36। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो बताओ 10 में से 6 गया तो 4 बचा, इधर 2 बचा, और इधर क्या बच गया बच्चे 1 ही बच गया। तो बताओ एक किसका कोड होगा, ध्यान से समझना, एक किसका कोड होगा भाई, तो एक किसका कोड होगा सर, तो एक होगा यहां पे ए का कोड, बी का कोड, बी का, क्योंकि क्योंकि भाई देखो बी 2 पे होता है तो 2 का कोड 1 दिया है। फिर बताओ किसका कोड होगा, सी का, और 4 इट मींस 5 का कोड तो ई का होगा, तो बी सी ई ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, बी सी ई ऑप्शन में है, इट मींस ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बताओ मेरी बात समझ में आई, बी सी ई, बी सी ई, बी सी ई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चे, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, बी वाले गलत है, बी वाले गलत है, इन्होंने एफ को क्या कर दिया, एफ को बच्चे इनको 6 ध्यान आ गया, लेकिन ऐसा थोड़ी ना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छी बात है जिन्होंने कर लिया, और जिनका नहीं हुआ वो समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को पढ़ के कि एक घड़ी में 5:35 हो रहा है, दर्पण में देखने पर वह कितना समय बताएगी। अगर किसी घड़ी में 5:35 हो रहा है तो वह घड़ी दर्पण में देखने पर कितना समय बताएगी, आपको ये बताना है। जल्दी से बताइए, फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से, जल्दी से बताएं, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। अगर घड़ी में 5:35 हो रहा है तो दर्पण पर देखने पर वो कौन सा टाइम दिखाएगी, आपको ये बताना है। तो देखिए दर्पण की बात आते ही, मिरर की बात आते ही आपको याद रखना होगा
कि किसी भी टाइम का अगर मिरर इमेज पूछे तो आप 1160 से घटाते हैं। किसी भी टाइम का यदि मिरर इमेज पूछे, दर्पण प्रतिबिंब पूछे, तो उस टाइम को 1160 से घटा दीजिएगा। तो बताइए 1160 में से अगर अपन 1135 को माइनस कर दे, 1135 को माइनस कर दे, तो बताओ यहां पे क्या मिल जाएगा भाई, यहां पर क्या मिल जाएगा? तो 6:25 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 6:25 हमारा आंसर हो गया बच्चे ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही शानदार। तो वही अगर यहाँ पे जल प्रतिबिंब पूछा होता, वाटर इमेज पूछा होता, तो याद रखना वाटर इमेज निकालने के लिए टाइम को किससे घटाते हैं भाई, तो 1790 से घटाते हैं। वाटर इमेज निकालना हो तो किसी भी टाइम को 1790 से घटा देना, और मिरर इमेज निकालना हो तो किसी भी टाइम को 1160 से घटा देना, आंसर आ जाएगा। 1160 से घटा देना, आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ो, चलो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, जल्दी से बताओ बच्चे। के इंटू पी का रिलेशन 256 से है, तो एच इंटू एस का रिलेशन किससे होगा? के इंटू पी का रिलेशन 256 से है, 256 से है, तो आपको बताना है, तो आपको बताना है बच्चे एच इंटू एस का रिलेशन किससे होगा, एच इंटू एस का रिलेशन किससे होगा, जल्दी से बताओ, फटाफट से सॉल्व करो और आंसर बता दो इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है तुम्हें, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, देखो तुम आंसर तक पहुंच जाओगे तुरंत और तुरंत कैसे। चलो जल्दी से बताओ भाई, 144, 361, अलग अलग सबके आंसर आ रहे हैं, अलग 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 यहाँ पे सबके आंसर आ रहे हैं, ठीक है देखते हैं। तो देखो सर, सर अगर के इंटू पी की बात करें तो के तो 11 पर होता है, के का कोड 11 है और पी का कोड 16 है, क्या कभी भी अपन 11 इंटू 16 को 256 बना सकते हैं? सर पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन एक लॉजिक ये है कि ये पी 16 पर तो होता है, अगर हम लोग के का ऑपोजिट कर दे तो के का ऑपोजिट भी पी होगा, और इस पी की पोजिशन 16 हो जाएगी, और 16 × 16 कितना होता है 256। तो सेम वे एच का अगर हम लोग ऑपोजिट कर दे तो एच का ऑपोजिट क्या हो जाता है, एस हो जाता है, और ये भी एस है, ये भी एस है, तो भाई 19 × 19 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 19 × 19, 361, ऑप्शन नंबर ए, 361 ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। डी वाले गलत है, 144 पता नहीं कैसे दे रहे हैं, पता नहीं कैसे दे रहे हैं, 144 19 × 8 कर रहे होंगे, अलग अलग दिमाग लगा रहे होंगे, अरे कैसे। चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 तुम्हारे सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 17 तुम्हारे सामने ये रहा, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को बिना दिमाग लगाए सॉल्व कर सकते हो, हर मुझे लगता है कि हर 7वें 8वें दिन एक सेट में ये क्वेश्चन आ ही जाता है मेरे से। जल्दी से बताओ, एक पार्टी के अंत में 17 व्यक्ति उपस्थित हैं, भाई एक पार्टी हो रही है किसी की, उसमें 17 लोग उपस्थित हैं, तथा वे सभी एक बार एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, उन सभी हाथ द्वारा कितने हाथ मिलाए गए होंगे? एकदम सही आंसर देना बच्चे, का एकदम सही आंसर चाहिए, क्योंकि कई बार ये लॉजिक, ये ट्रिक इस क्वेश्चन की मैंने दी है कि विदाउट पेन कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, विदाउट पेन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। एक बार पहले तो सारे लोग सेशन को लाइक कर दो, जल्दी से लाइक करो फटाफट से, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ने वाला हूं। चलिए जल्दी से बताइए बच्चे, जल्दी से फटाफट से, फटाफट से जितने भी लोग देख रहे हो क्लास को, एक बार फटाफट से लाइक कर दो, ठीक। देखो 17, जब भी इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए कि एक दूसरे से हाथ मिलाना हो, एक दूसरे के गले लगना हो, एक दूसरे को क्या करना हो बच्चे, जैसे गिफ्ट देना हो, तो जब भी क्वेश्चन आए कि एक दूसरे से करना है, मींस जो भी करना है, तो वहां पे आपको एक बात याद रखनी है, n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, बस ये छोटी सी बात याद रखना, n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, तुम्हारा आंसर तुरंत आएगा। क्या है यहाँ पे, तो 17 है, 17 मल्टीप्लाई बाई 17 में से एक माइनस करोगे तो 16 हो जाएगा, और अपॉन में 2 हो जाएगा, तो बताओ ये 8 टाइम्स में जाएगा, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 136, हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चे 136, खत्म काम ऑप्शन नंबर बी, खत्म काम मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट। समझ में आ गई बात आप सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ जी, चलिए क्लियर है आप सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 को रिपीट करने की बात कर रहे हैं। देखो भाई यहाँ पे के था ना, तो अगर मैं के का ऑपोजिट कराऊं, के का उल्टा क्या होता है बताओ, अगर इस तरीके से ऑपोजिट पूछूं तो ए का जेड होता है, बी का बच्चे वाई होता है, तो सी का एक्स होता है, तो इसी तरीके से के का ऑपोजिट क्या होगा, पी होगा, पी होगा, पी, क्योंकि कानपुर, और दोनों पी पी है, और पी की पोजिशन 16 होती है,
तो 16 का स्क्वायर 256 ही तो होगा। तो ऐसे ही एच का ऑपोजिट करोगे तो क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा एस, और जब दोनों एस है तो एस की पोजिशन 19 होगी और 19 का स्क्वायर 361 ही तो होता है, 19 का स्क्वायर 361 ही तो होता है। तो इसके लिए याद रखना एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। चलो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, जल्दी से सॉल्व करो, बताओ फटाफट से सॉल्व करो और आंसर बताओ भाई, फटाफट से सॉल्व करो। के पी एन वी क्यू क्वेश्चन मार्क टी वाई डब्ल्यू, टी वाई डब्ल्यू, जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताओ बच्चे। अरे नहीं ओपी त्यागी, कोई रिकॉर्डेड नहीं है भाई, मैं बिल्कुल तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूं। ये देखो तुम मुझे छू सकते हो मन ही मन में, मैं एकदम बिल्कुल लाइव हूं तुमसे। चलो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बस मैं कमेंट नहीं देख रहा हूं, फटाफट से बताओ बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से फटाफट फटाफट फटाफट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अपने आप में बच्चे अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए जल्दी से जल्दी से जल्दी से। रोज कितने बजे से लाइव होती है क्लास, रोज बच्चे 10 बजे से होती है, 10 बजे से, 10 बजे से क्लास होती है भाई। चलिए देखिए के की बात करें तो के कितने पर आता है दोस्तों, इधर लिख देता हूं के, देखो के कितने पर आता है, 11 पर आता है। पी कितने पर आता है बच्चे, तो पी 16 पर आता है, पी 16 पर आता है। एन कितने पर आता है, तो एन 14 पर आता है, 14 पर। इधर देखो वी कितने पर आता है बच्चे, 22 पर आता है, 22 पर। ये कितने पर आता है, तो 17 पर आता है, और यहां पे हमें लाना है जो भी लाना होगा। फिर बताओ टी कितने पर आता है, तो 20 पर आता है। फिर वाई कितने पर आता है बच्चे, 25 पर आता है। और डब्ल्यू कितने पर आता है, तो 23 पर आता है। आप बताओ इस नंबर्स में आपको कोई खेल नजर आ रहा है, तो हाँ सर एक खेल ये नजर आ रहा है हमें, एक खेल हमें ये नजर आ रहा है कि 11 में प्लस 5 कर देंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में माइनस का 2 कर देंगे तो 14 हो जाएगा, प्लस का 5 कर देंगे दोस्तों तो 25 हो जाएगा, और माइनस का 2 कर देंगे तो 23 हो जाएगा। अब बताओ इसमें क्या किया सर, इसमें तो माइनस का 5 कर दिया भाई, अब इसमें माइनस का 5 कर दिया, इट मीन्स ऊपर प्लस का 5 माइनस 2, प्लस का 5 माइनस 2, और यहां माइनस का 5, मतलब नीचे और ऊपर वाले लॉजिक का ठीक उल्टा कर दिया है, ठीक क्या कर दिया है उल्टा। तो बताओ यहां प्लस 5 था तो माइनस 5 हुआ, तो यहां माइनस का 2 था तो यहां पे प्लस का 2 होगा या नहीं होगा भाई, यहां माइनस का 2 था तो प्लस का 2 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। और 17 और 2 19, और 19 पर क्या होता है एस, 17 और 2 19, और 19 पर क्या होता है एस, ऑप्शन नंबर बी। बताओ ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया, बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया भाई, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, ग्रेट 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 भाई, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा, जल्दी से बताइए। ये तो आप तुरंत बता देंगे, इसका आपने मिरर इमेज बताना है दोस्तों, मिरर इमेज बताना है। और मिरर इमेज में क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, तो दर्पण में क्या होता है बच्चे, पास की चीज पास ही रहती है, पास की चीज पास ही रहेगी और दूर की चीज दूर रहेगी, पास की चीज पास रहेगी, दूर की चीज दूर रहेगी, और दाएं वाली चीज बाएं में चली जाएगी और बाएं वाली चीज दोस्तों दाएं में चली आएगी। तो देखो सर ये वाला जो पार्ट है ब्लैंक, ये पास में है, तो सर ये वाला जो पार्ट बनेगा ब्लैंक, अब ये पास में बनेगा। इधर देखो सर ये यहां पर नहीं है, सर यहां पर है ठीक है, यहां पर है ठीक है, लेकिन ये यहां पर नहीं है। सर ये तो देख कर ही गलत कर दोगे, क्योंकि ये डार्क वाला जो सर्कल अब इस तरीके से आएगा वो इसमें कहां दिया है, तो गलत हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, हमारा आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन था, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन था, हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से बताइए इस फिगर को कंप्लीट करना है, इस फिगर को बच्चे कंप्लीट करना है, और बताओ कंप्लीट करने पर कौन सा डायग्राम सही होगा, इस फिगर को कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने पर बताओ आप कि कौन सा डायग्राम सही होगा, जल्दी से जल्दी से बताइए जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हाँ जी यूपीएससी के सीसेट में मैथ्स आता है बच्चे, यूपीएससी के सीसेट में बच्चे आता है मैथ्स। देखो जी सर बड़ा ही आसान है सर, इस तरीका से का पहले तो क्रॉस लगाओ और ऐसे सर्कल देखो, इस तरीके से क्रॉस लगाओ और ऐसे सर्कल देखो, ये देखो दोनों फिगर अगर आमने सामने वाली सेम है तो सर अब ये वाली भी फिगर आमने सामने वाली सेम होनी चाहिए, तो देखो सर ये वाला आंसर होगा क्या, सर बिल्कुल पॉसिबल है। सर ये वाला देखो गलत हो गया,
सर ये देखो गलत हो गया यहाँ पे, ये डंडी नहीं है, ये डंडी नहीं है, गलत हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे आप। बी वाई जी टी एल ओ क्वेश्चन मार्क वी, फटाफट से बताइए, फटाफट से इसको सॉल्व करके कि इसमें क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन में क्या आंसर होगा आपको ये बताना है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं, जल्दी से फटाफट, फटाफट से बता दे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जल्दी से। चलिए चलिए जल्दी से बताइए, बी वाई जी टी एल ओ, बहुत शानदार। देखो जी बड़ा आसान क्वेश्चन, सर बी का कोड 2 होता है, जी का कोड 7 होता है, ये 12 होता है, आप देख पा रहे होंगे प्लस 5 की बढ़त है भाई, 7 से 5 बढ़ गया तो 12 हो गया, तो 12 में से 5 बढ़ जाएगा तो 12 प्लस 5 17 होता है, और 17 पर क्या होगा दोस्तों, तो क्यू होगा, क्यू होगा। इधर देखो ये 25 पर होता है, ये 20 पर होता है, ये 15 पर होता है, तो देखो अब बताओ 20 से 25, 25 से 15, तो 15 से 10 ही तो होगा, और 10 पे क्या होता है, तो जे होता है, तो क्यू जे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्यू जे हमारा आंसर होगा बच्चे ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने जा रहा है, जल्दी से बताइए इसका भी, इसका भी आपको बताना है बच्चे मिरर इमेज क्या होगा। मिरर इमेज के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा तरीका बताता हूं मैं आपको, जब भी इस तरीके से वर्ड्स लिख के आ जाए, लेटर्स लिख कर आ जाए, तो फर्स्ट और लास्ट को पहले चेक कीजिएगा, अगर आपको जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो पहला लेटर और आखिरी लेटर को चूज कीजिए और देखिए आपका आंसर आता है या नहीं, अगर नहीं आता है तो फिर सेकेंड लेटर और सेकेंड लास्ट लेटर को देखिए और फिर देखिए कि आपका आंसर आता है या नहीं। चलिए जल्दी से ये काम कर देख लीजिएगा तो बहुत ही फायदेमंद हो जाएगा आपके लिए बच्चे, बहुत ही फायदेमंद हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे, सर जी को देखोगे सर तो जी तो पास में ही रहेगा, राइट सर, जी तो पास में ही रहेगा, जी तो इस तरीके से कुछ बनाएगा पास में। सर अगर एस की बात, एफ की बात करें तो सर अब एफ जो है, एफ जो है अब इस तरीके का मुंह लेकर के ऐसे आ जाएगा, देखना किस ऑप्शन में, सर देखो सारे में एफ सीधा है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, सारे में दोस्तों एफ सीधा है, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। यही फायदा होता है हमारा, यही फायदा होता है हमारा कब, जब हम लेटर में फर्स्ट और लास्ट को देखते हैं और ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं, अब मर्जी है अब तब आपकी कि आप डायरेक्ट देखो या फिर एक एक करके देखो। चलो जल्दी से बताओ इसमें आपको ऑड बताना है बच्चे, इसमें ऑड बताना है, ऑड कौन सा है, स्टील है, टिन है, ब्रास है या ब्रॉन्ज है, स्टील, टिन, पीतल और कांसा, स्टील, टिन, पीतल और कांसा में आपको ऑड बताना है, ऑड की पहचान करनी है, ऑड वन आउट देना है बच्चे। जल्दी से बताइए स्टील, टिन, पीतल और कांसा में आप क्या देंगे, क्या देंगे, जल्दी से बताइए ऑड कौन सा होगा बच्चे, कौन सा होगा बच्चे, जल्दी से बताएं, जल्दी से फटाफट से, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बता दें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या देंगे जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्टील, टिन, ब्रास एंड ब्रॉन्ज, स्टील, टिन, ब्रास और ब्रॉन्ज में आपको ऑपोजिट मतलब बताना है, ऑड वन आउट कि अलग कौन सा है, अलग कौन सा है बच्चे जल्दी से बता दो आपका आंसर। कुछ लोग स्टील दे रहे हैं, कुछ लोग टिन दे रहे हैं, है ना, कुछ लोग स्टील दे रहे हैं, चलो देखो स्टील, टिन, ब्रास और ब्रॉन्ज में हमारा अलग क्या होगा दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, टीन होगा, टीन। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे मेटल्स हैं, धातु हैं, लेकिन ये मिश्रित धातु है बच्चे, ये एक अलॉय है, ये क्या बच्चे, ये अलॉय है, मतलब ये मिक्स धातु है, मिश्र धातु है, आपने सुना होगा मिश्र धातु है, तो ध्यान से समझिए स्टील और टिन में हमारा आंसर क्या होगा, तो स्टील नहीं होगा, स्टील वाले गलत है, स्टील गलत है, स्टील वाले गलत है, स्टील वाले गलत है एकदम। बहुत ही शानदार, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, डिग्री, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, डिग्री, डिग्री बच्चे, ऑक्टल, हेक्सा, डेसिमल और बाइनरी में आपको अलग बताना है, अलग बताना है, अलग बताना है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, फटाफट, फटाफट से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा,
फटाफट से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से बता दीजिए बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं जल्दी से। डिग्री, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी। अगर इसका आंसर देंगे तो इसके बाद मैं आपको उससे कुछ और भी पूछना चाहूंगा। चलिए जल्दी से बता देंगे, मुझे उम्मीद है कि आप फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलिए जी, आपने आंसर क्या दिया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी दिया, डी दिया। अच्छा जी, देखो सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा डिग्री। डिग्री क्यों होगा सर, क्योंकि ये सारी की सारी सर कंप्यूटर की लैंग्वेज, कंप्यूटर की बातें हैं। देखो सर बाइनरी जो होता है सर, कंप्यूटर में बाइनरी का जो बेस होता है, बाइनरी का जो बेस होता है वो कितना होता है, तो याद रखना बाइनरी का बेस 2 होता है। सर बाइनरी का बेस कितना होता है सर, तो 2 होता है। ऑक्टल का बेस क्या होता है सर, तो याद रखिएगा ऑक्टल का बेस सर 8 होता है। ऑक्टल का बेस क्या होता है सर, तो ऑक्टल का बेस यहाँ पे 8 होता है, 8 होता है, कितना होता है 8 होता है। और हेक्साडेसिमल का जो होता है सर बेस, ये कितना होता है सर, तो 16 होता है। और टोटल इस तरीके से 4 बातें होती है हमारी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिग्री इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा आपको ये बताना है, फटाफट से बता दीजिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। 8, 25, 3, 13, 4, 21, 5, 31, 6, 43 इस तरीके से लिखा गया है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप क्या रखेंगे आपको ये बताना है, जल्दी से बताएं, जल्दी से फटाफट फटाफट से बता दे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्लासेस डेली चलती है, डेली रात के 10 बजे आपको आना है इसे एग्जामपुर चैनल पे बच्चे, डेली रात के 10 बजे आपको आना है एग्जामपुर के मेन चैनल पे, मींस इसी चैनल पे। जल्दी से बताइए जल्दी से, जल्दी से। 57 आंसर दे रहे हैं, ओके 57 आप सारे लोग आंसर दे रहे हैं, देखिए कैसे, देखिए बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बहुत आसान सा है। तो देखो 8 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 3 कितना हो जाएगा सर, 24 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 × 3 = 24 हो जाएगा, 24 में जब अपन 8 को जोड़ देंगे तभी तो 25 आएगा, बिल्कुल आएगा सर। अगर 3 में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में 1 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। फिर देखो 5 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो जाएगा, और 20 में 1 जोड़ दोगे तो 21 हो जाएगा। इन द सेम वे 5 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 हो जाएगा, और 30 में 1 को जोड़ दोगे तो 31 हो जाएगा। तो क्यों ना यहां भी यही काम कर दो, 8 × 7 करोगे तो कितना हो जाएगा 56, और प्लस में 1 कर दो, यही हमारा आंसर आ गया 57। भाई दोनों नंबरों का प्रोडक्ट करना है और प्लस में 1 कर देना है, दोनों नंबरों का प्रोडक्ट करना है और प्लस में 1 कर देना है, हमारा आंसर हो गया 57, हमारा आंसर हो गया 57, बहुत ही शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 यहां पे थोड़ा सा उर्दू है, आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, यहाँ पे जो ये उर्दू की लैंग्वेज थोड़ी सी लिखी गई है इसको आपने इग्नोर करना है। चलिए जल्दी से बताइए, इस लैंग्वेज से हमारी इस क्लास का कोई भी वास्ता नहीं है, इससे आप भावुक होके कुछ कर नहीं लेंगे, आपको यही बताना है कि n कुछ इंटू क्वेश्चन मार्क प्लस में m डिवाइड बाई k इज इक्वल टू अगर 31 है तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा आपको ये बताना है, जल्दी से आंसर कीजिए। तो बच्चे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा आपको यह बताना है, जल्दी से बताइए बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से। क्या हो गया लोकेश सर, आपने धांसु सर को क्या क्यों भेजा हम एयरफोर्स वालों को पढ़ाने के लिए, आप आइए सर हमें पढ़ाने के लिए, बिल्कुल बच्चे हम नहीं आऊंगा, डोंट वरी। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से फटाफट से जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, देखिए सर जहां पे एन है तो एन का पोजिशन दिया होगा यहाँ पे जरूर, सर एन का कोड कितना है तो 11 है, तो एन की जगह पर 11 रख देते हैं, मल्टीप्लाई भाई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रख देते हैं बच्चे, प्लस में m, m की बात करें तो m का कोड कितना था तो 7 था, 7 था। फिर इसको डिवाइड किससे करना था तो k से, और k का कोड कितना है बच्चे तो 2 है, 2 है, और ये किसके बराबर है तो 31 के बराबर है। मुझे एक बात बताना भाई, अगर ये डिवाइड का 2 है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई का 2 देगा भाई, देगा ना। और ये बताओ अगर हम इसको सीधे सीधे लिख ले
कि इसको x लिख लेते हैं, तो 11x प्लस में क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू इधर 31, ये डिवाइड का 2 है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई का 2 दे जाएगा, तो कितना दे जाएगा 62। अब बताओ हम सीधे कर सकते हैं कि 62 में से 7 को माइनस कर दो तो हमारा आंसर कितना आ गया 55, और x की वैल्यू हमारे सामने आ गई 5। और देखो x 5 में x का किसका कोड है, मतलब 5 किसका कोड दिया गया है, तो सर l का कोड दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सर 5 किसका कोड दिया गया था, सर तो l का कोड दिया गया था, l का तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, बहुत शानदार, ए ए ए ए ए ए, बहुत बढ़िया, आपके रडार एरिया से बाहर है। अच्छा, इसमें क्या था ऐसा क्वेश्चन जो आपके रडार एरिया से बाहर हो गया, इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन भी आपके रडार से बाहर चला जा रहा है, तो फिर आपका रडार ही खराब है, उसको बदलो थोड़ा सा आप। चलो इसको रहने दो, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ये सिंपल सा वे है। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट से सॉल्व करके बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 0312 को 14 बनाना है, 3524 को 54 बनाना है, 3165 को क्या बनाएंगे, 3165 को बच्चे आप क्या बनाएंगे जल्दी से बताइए, फटाफट से बता दीजिए इस क्वेश्चन को आंसर किस तरीके से करेंगे आप, क्या करना होगा ऐसा इस क्वेश्चन में। तो सर देखो, करना आपको ये होगा इस क्वेश्चन में कि जो 0312 को 14 बनाने की बात कर रहा है ना, तो सर देखो जरा दिमाग लगाना, अगर 3 का स्क्वायर कर दे तो 9 हो जाता है, 1 का स्क्वायर कर दे तो 1 हो जाता है, 2 का स्क्वायर कर दे तो 4 हो जाता है, और 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, 10 प्लस 4 14 हो जाएगा जो कि यहां लिखा है। फिर देखो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 3 का कितना होगा 9, देखो इन सबको जोड़ करके 54 आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर 3 की बात करें तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, 10 प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 36 46, और प्लस में इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 25, तो बताओ 46 प्लस 25 कितना हो जाएगा तो 61, 46 प्लस 25 कितना हो जाएगा 61 या 71, तो 46 और 5 कितना 51 और 10 71 होगा, 71 सॉरी। हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे नंबरों का क्या था यहाँ पे, तो स्क्वायर था, स्क्वायर था, स्क्वायर था, स्क्वायर था, स्क्वायर था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमारा आंसर आप सब ने निकाल दिया 71, ग्रेट बच्चे। चलिए इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है और ये रहा क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, ये नीचे वाली लैंग्वेज को भूल जाएंगे थोड़े टाइम के लिए, ये ना ये फॉन्ट गलत हो गया इसलिए आपको परेशान नहीं होना, वैसे इतना तो समझदार है ही, इतना तो आप समझदार है ही कि बैड को 7 लिखा, सैट को 9 लिखा, तो बैन को क्या लिखा जाएगा, तो बैन को क्या लिखा जाएगा बच्चे जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो बच्चे, फटाफट से जल्दी से बताओ बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से फटाफट से बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, किस तरीके से इस क्वेश्चन को लिखोगे, किस तरीके से कोड करोगे बच्चे, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन को कि बैड को यदि 7 लिखा, सैट को यदि 9 लिखा, तो बैन को क्या लिखा? चलो बच्चे देखो, तो बैड को 7 से कोड किया, सैट को 9 से कोड किया, तो सर क्या करना होगा ऐसे इस क्वेश्चन में, 8 आंसर दे रहे हैं, आठ आंसर दे रहे हैं बहुत सारे लोग। देखो जी सर, देखो बैड का कोड, इसका पोजीशन 2 होता है, ये 1 होता है और ये 4 होता है, तो बताओ 4 एक 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा 7। इधर देखो, इधर देखो सैप को कोड 9 कैसे लिखा पता है तुम्हें, सैप SAP सैप, ये 19 होता है, ये एक 20 हो गया, 20 और 16 कितना हो जाएगा 36। बच्चे 36 को 9 बनाया जा सकता है क्या, सर 3 प्लस 6 कर दिया तो 9 बन गया, मतलब डबल एड है यहाँ पे, डबल एड है दोस्तों। अब देखो मैंने आपके सामने यूपी पुलिस नई वैकेंसी जो 2021 की आने वाली है, इसके लिए आपको क्या करना है, देखो बड़ा अच्छा सा थंबनेल है कि रीजनिंग जाके दहाड़ दो आसमान में, और कब, तो 28 तारीख को बच्चे, कब मेरे दोस्तों, तो मंडे को रात के 10 बजे आप आना, और जो काम आपने अब तक नहीं किया होगा, अब तक आपने नहीं किया होगा वो काम मैं आपको कराऊंगा, लेकिन मैं अभी बताने वाला नहीं हूं, आपको खुद पेपर मतलब हमारा क्वेश्चंस देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्या कराने वाले हैं। 7 बजे आपको आना है बॉबी सर की क्लास में दोस्तों, 8 बजे आना है आपको हिंदी, वैसे विवेक सर ने आपको बता भी दिया आज के सेशन में कि 7 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है बॉबी सर की, 8 बजे विवेक सर की हिंदी की क्लास चलती है, 9 बजे अमित पांडे सर की जीके की क्लास चलती है, और 10 बजे रीजनिंग की चलती है।
भाई साहब लगातार चार घंटे आप पढ़ लो, देखो एकदम पेपर में धुआं धुआं कर लोगे, इसलिए तुमने अब तक क्या सीखा, अब तक तुमने क्या जाना, ये तुम्हें दिख जाएगा एकदम पेपर। मैं तुम्हें चलो बता भी देता हूं क्या कराऊंगा। तो भाई साहब 28 को मंडे को रात के 10 बजे हम क्या करेंगे, तो 2018 में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ था उसके पेपर को सॉल्व करने वाले हैं अपन। यूपी पुलिस कांस्टेबल जो हुआ था बच्चे, उसको क्या करने वाले हैं, तो क्या करना है बच्चे, तो उसके पेपर को सॉल्व करने वाले हैं अपन, पेपर को। अब देखते हैं आपको अपना लेवल जांच करना है कि आप कितना सीखे हो, क्या करते हो, क्या नहीं, ठीक है। चलो चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चे, तो बैन की बात किया, बी ए एन, तो बी ए एन के लिए क्या कर दिया जाएगा, बी की पोजीशन दो होती है, ये एक होता है, ये 14 होता है, बताओ 14 और 3 17 हो गया ना सर, फिर से एक बार जोड़ दो 8 आंसर हो जाएगा बस, फिर से एक बार जोड़ दो 8 आंसर हो जाएगा बस, खत्म काम, ठीक है बच्चे। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 30, अगला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, ये भी नॉन वर्बल आप कर सकते हो। चलो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट से बताओ बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे। आपसे पूछा फाइन नंबर इज प्रेजेंट ओनली इन वन ज्योमेट्रिकल फिगर, ऐसा नंबर चूज करना है इसमें जो सिर्फ और सिर्फ एक फिगर में लाई कर रहा हो, ऐसा नंबर चूज करना है इसमें जो सिर्फ और सिर्फ एक फिगर में लाई कर रहा हो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक फिगर में लाई कर रहा है दोस्तों, जल्दी से बताइए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताइए, जल्दी से फटाफट से बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से बता दीजिए कि ऐसे ऐसे डायग्राम को देखना है यहां पे जो सिर्फ और सिर्फ जो सिर्फ और सिर्फ जो सिर्फ और सिर्फ एक ज्योमेट्रिकल फिगर में लाई कर रहा हो। तो बड़ा आसान सर, ये चार ही एक ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक फिगर में लाई कर रहा है, बाकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सिर्फ एक में लाई कर रहा हो। चलो आगे बढ़ो, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 32, फटाफट से बता दो इस क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दोस्तों, जल्दी से बताओ। यदि संख्या 5, 4, 6, 3, 8 की प्रत्येक विषम संख्या को एक कम कर दिया जाए, विषम संख्या को एक कम कर दिया जाए और सम संख्या को एक बढ़ा दिया जाए, तो निम्न में से कौन सी नई संख्या के अंकों का योग होगा, तो निम्न में से बच्चे नई संख्या के अंकों का योग बताना है, जल्दी से बताओ फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जल्दी से बता दो, जल्दी से बिना टाइम खराब किए हुए जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों। तो देखो सर, 5 हमारा क्या है, विषम है, आपको विषम और सम की तो पहचान होगी बिल्कुल, कि सर विषम उसको कहते हैं जो 2 से विभाजित ना हो, सम उसको कहते हैं जो 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो, 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो। तो बच्चे बताओ 5 विषम को एक कम करना है, तो 5 को एक कम करोगे तो 4 होगा दोस्तों, ये 4 और 6 सम है तो इसको एक बढ़ाना है, तो 4 से एक बढ़ाओगे तो 5 होगा, 6 से एक बढ़ाओगे तो 7 होगा। फिर देखो ये 3 विषम है, एक कम कर दो तो 2 हो जाएगा, ये 8 सम है तो एक कम कर दोगे तो 9 हो जाएगा, राइट। अब इसको जोड़ दो तो 5 और 4 9 हो जाता है, 9 और 9 कितना हो जाता है 18 18 और 2 20 और 7 कितना हो जाएगा 27 20 और 7 कितना हो जाएगा 27 सर, किसी का भी आंसर नहीं आया होगा इसमें क्योंकि ये नन ऑफ दीज दे रहा है सर, बहुत ही सही, ग्रेट बच्चे। तो चलिए बहुत शानदार, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का जाते जाते लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए और बताइए जल्दी से, 5, 5, 10, 30, 120, 600 क्वेश्चन मार्क 2500 में क्या आएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे। 5, 5, 10, 30, 10, 5, 5, 10, 30, 120, 600 जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जब भी याद रखना, जब भी इस तरीके का, ये तो हल्का सा है, जब भी इस तरीके का सर्कल सा कोई क्वेश्चन आ जाए, रेक्टेंगल का कोई क्वेश्चन आ जाए, ट्रायंगल के शेप में कोई क्वेश्चन आ जाए, तो भाई क्वेश्चन तो दिखने में मिसिंग नंबर है लेकिन ये अपने आप में नंबर सीरीज की लॉजिक लगाता है। भाई मेरे क्वेश्चन देखने में तो मिसिंग नंबर है लेकिन अपने आप में ये किसकी लॉजिक लगाता है मेरे दोस्तों, तो नंबर सीरीज की लॉजिक लगाता है कैसे, तो देखो छोटे नंबर से उठा लो, 5, 5, 10, 30, 120, 120, 600 क्वेश्चन मार्क देखना सर, 1 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई तो 6 से कर दो और 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3600 आ जाएगा मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर सी बहुत ही शानदार। चलो ये देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो तुम, जल्दी से बताओ कर सकते हो, इतना पार्ट छोड़ दो। क्वेश्चन ने कहा टिम्बर को
BERMIT से कोड किया है, TIMBER, टिम्बर को बच्चे, टिम्बर को बच्चे अगर BERBERMIT से कोड किया है तो देखो देखो क्या किया MIT बच्चे, ये लास्ट के तीन वर्ड को उठा के पहले चिपका दिया, लास्ट के तीन वर्ड को ला करके पहले चिपका दिया, तो यहां भी लास्ट के तीन वर्ड को पहले चिपका दो। TER देखो कहां से शुरुआत है सर, TER एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, TER एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की दोस्तों जरूरत ही नहीं है, हमारा आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भाई, TER होगा, TER देखो BER को चिपकाया ना, तो TER को चिपकाएगा, ऊपर से नीचे लिख देगा। चलो क्वेश्चन नंबर 35, लास्ट क्वेश्चन, कहानी खत्म भाई। क्वेश्चन नंबर 35 लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो FIRE फायर को किससे कोड किया जाएगा। 35 क्वेश्चन करके जा रहे हो एक घंटे में, सोचो तुम्हारे किसी भी क्लास में नहीं होता होगा। चलो जल्दी से बताओ बच्चे, जल्दी से बताओ बच्चे, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से बता दो, फटाफट से FIRE फायर का कोड क्या होगा दोस्तों, फायर का कोड क्या होगा। सर सिंपल सा, कोडिंग पे डिपेंड है, F6 पर आता है बोलो हाँ, सर I9 पर आता है, R18 पर आता है और E5 पर आता है, 5 पे। तो मुझे बताओ 9 और 6 15 हो गया, 15 और 5 20 हो गया, और 20 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 20 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा, समझ में आ गई होगी बात आप सबको, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। तो चलो जी, उम्मीद करता हूं आपको सारी की सारी बात अच्छे से समझ में आ गई आज की क्लास की। तो दोस्त जाते जाते आपने क्या करना है, 35 क्वेश्चनों की सीरीज आज हम लोगों ने करी, 28 तारीख को शाम के 10 बजे मीन्स रात के 10 बजे आपको अपने इसी एग्जामपुर के मेन चैनल पे सारे साथियों के साथ आना है। क्यों? क्योंकि हम 2018 के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे उन सारे के सारे क्वेश्चनों को मैं आपसे कराने वाला हूं, और फिर आप देखोगे कि आपने कितना सीखा और आपको किस किस चैप्टर में कमी है, और फिर हम वापस से चैप्टर वाइज आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे खत्म करते हैं, जाते जाते एक बार सेशन को सारे के सारे लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, जिससे आप सारे के सारे दोस्तों को बुला सके। एंड जिन्होंने अभी नए नए चैनल पे ज्वाइन किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाइएगा। बहुत ही बेहतरीन सेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, जय हिंद मेरे दोस्तों।